आज इस डे टू, डे टू माने आज अपन आए हैं साउथ गोवा। साउथ गोवा घूमने के लिए पहला चीज मैं बोला सुबह सुबह अंकल अपने को कहाँ लेके जा रहे, कौन सा अंकल, वही बस वाला अंकल, कहाँ लेके जा रहे। मैं आया हूँ मिरामार बीच, आपने शॉर्ट्स तो देखे होंगे ना मिरामार बीच के, बहुत प्यारे। मतलब उसके बाद 350 रुपीज़ पे करो एंड डॉल्फिन राइड लो। मतलब मुझे पता नहीं डॉल्फिन दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन टाइम पास करने में क्या जाता है। अपन मैसूर, अपन ना यहाँ पे आए, अपन बहुत मजा किया ठीक है डॉल्फिन राइड करने के लिए, लेकिन डॉल्फिन का कुछ फायदा नहीं हुआ। डॉल्फिन अपने को मिला ही नहीं ना भाई, लेकिन डॉल्फिन नहीं मिला लेकिन आप लोगों ने डांस देखा होगा। और उसी में से सतीश अन्ना जो ना फॉरेस्ट में काम करते भाई, मैसूर में। मैसूर अन्ना, मैसूर में एग्जैक्टली किधर? मैसूर चामुंडी हिल्स। चामुंडी हिल्स, तो जब भी आप चामुंडी हिल्स जाएंगे ना भाई, सतीश अन्ना ना वहाँ पे ऑफिसर है, कभी भी सतीश अन्ना नाम लो आप पहुंच जाओ। सतीश अन्ना पूरा फ्री, ऐसा मत करो, फ्री नहीं भाई, फ्री नहीं चाहिए अपने को, लेकिन मजा बताएगा। मतलब वो लोग कहते हैं कि मैसूर में जाओ मस्त, क्या है फॉरेस्ट में, क्या फॉरेस्ट एंड बंडीपुर नागर वाले, बंडीपुर नागर वाले रिजर्व फॉरेस्ट इन चामुंडी हिल्स। अच्छा मतलब फॉरेस्ट टूर कराते, फॉरेस्ट फॉरेस्ट टूर, टूर बंडीपुर नागर वाले एंड कबिनी बैकवाटर। कबिनी बैकवाटर, बहुत मजा है, बहुत मजा आएगा भाई। मैसूर का प्लान करना पड़ेगा अपने को। तो अभी फिलहाल अपन यहाँ से चलते हैं, क्योंकि डॉल्फिन तो नहीं मिला, 350 रुपीज़ वेस्ट है, लेकिन बहुत मज़ा आया हम लोगों को बोट के अंदर। तो वी आर जस्ट लीविंग फ्रॉम हियर एंड वी विल। अरे तुम्हें ऐसा बोलना कि इधर आया था तिधर इधर आया था, दादा मैं क्या बोल रहा हूँ कि शायद अमचा नसीबत ना ना हो। दो मिनट रुको आपके सामने आस पास, दो मिनट का टाइम नहीं मेरे पास, राइट। कैसा नहीं आ रहा है क्या? जान तो अभी जाता हूँ मैं, मेरा बस। हाँ सतीश अन्ना भी चले गए एंड अभी वो वॉक करते करते लाइक आगे की तरफ। अरे यार सच्ची बोलो ना, कल थक गया था मैं रात को, और मैं थक के जाके फट सो गया भाई, तो जो भी मिला नीचे खाया पिया गल्टी ठीक है। लेकिन मैं वही सोच रहा था, हाँ ये रेत है ना, रेत पे चलना बहुत तकलीफ होता है, और कल सिर्फ अपन ना नॉर्थ गोवा कर रहे थे, तो नॉर्थ गोवा में थकान रेत पे, मतलब रेत में चल चल के ना पैर थक जाते। तो आज फिलहाल मुझे नहीं पता था कि सुबह सुबह बीच पे लेके आ जाएगा यार, इधर ही थकावट हो गया। हाँ बीच पे मतलब बोट पे मज़ा इसलिए आया, डांस हो रहा था, एम्पस कर दी पब्लिक, हाँ चिलॉन नाइस एक्सपीरियंस। मतलब डॉल्फिन तो आपका नसीब है, दिखा तो दिखा, नहीं दिखा तो नहीं दिखा, कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पता नहीं, लेट्स सी। मैं बासिलिका चर्च, बासिलिका चर्च ना बहुत बड़ा यार, मतलब एक्चुअली मतलब अगर देखा जाएगा चलने के लिए तो बहुत चलना पड़ता है, लेकिन ठीक है। मतलब अभी फिलहाल तो मैं चर्च के बाहर हूँ, वॉक कर रहा हूँ, चर्च तक पहुँचना है मेरे को अंदर तक, ठीक है। चर्च तो गया, बट चर्च से अपन निकलने के बाद अपन आए हैं तिरुपति का टेम्पल है यार, मोजो। मतलब कौन सी गाड़ी आ रही है, मोजो। अच्छा चर्च से निकलने के बाद बता अपन आए हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल। हाँ इट्स अ नाइस टेम्पल, अगर गर्दी है थोड़ा और चटके बहुत है भाई, चटके लग रहे हैं। इधर पार्किंग एरिया
थोड़ा घास से चलूँ मैं। चर्च तो अच्छा था रे, चर्च इज लाइक 400 या 500 ईयर्स लाइक पुराना। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नाइस, लेकिन इसके बाद जो टेम्पल जाऊँगा ना वो 400 साल पुराना टेम्पल है। तो अभी फिलहाल तो मैं विष्णु टेम्पल आया हूँ, विष्णु टेम्पल में अपन टाइम पास करेंगे, बहुत गर्म है यार। आज ये लोग मेरे को लेके नहीं जा रहे हैं स्नो वर्ल्ड वो वर्ल्ड, आज तक कुछ है भी नहीं स्नो वर्ल्ड जैसा। मंदिर के लिए जूता तो निकालना पड़ेगा ना। अरे ना अंदर शूट कर पाएंगे कि नॉर्मली अपन अपने मंदिरों में शूट नहीं करते ना। नाइस प्लेस टू विजिट यार। चप्पल निकाला थल्ला दुखने लगे। भाई शादी चालू है, शादी का हॉल है, खाना खाए क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं अपन चलते हैं भाई। अपन चलते हैं, मतलब अपना बस वेट कर रहा ना, तो अपन जाएंगे इसके बाद मंगेशी टेंपल, जो मैं कह रहा था ना मंगेशी टेंपल जाएंगे। मंगेशी टेंपल इज लाइक 400 साल पुराना लॉर्ड शिवा का टेंपल है, लेकिन बोलते कि बहुत औसम जगह देखने के लिए। एंड पोंडा विलेज में है तो मज़ा आएगा जाते हैं। ओ मंदिर नजदीक आ रहा भाई। अपन ना बहुत सारे मंदिर देख रहे, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन ना बहुत ही अलग है। अगर तुम लंबे से देखोगे ना तो चर्च जैसा दिखाई देता है। हाँ मतलब पोर्चुगीज ने बनाया ना, तो वो हिसाब से शिव का मंदिर ऐसा कुछ अलग ही है भाई। अंदर के अपन शॉर्ट्स लेंगे, बहुत वॉकेबल है यार। मेन रोड पर छोड़ता है बस, वहाँ से फिर चलते आओ या 1 किलोमीटर। हाँ दैट्स ओके, लेकिन सही है। हाँ कड़क धूप में अपने को कुछ ना कुछ जूस वूस पीना पड़ेगा इसके बाद में भाई। चटका चटका लगा डायरेक्ट। इधर ना है क्या एंट्री? नहीं नहीं यहाँ बंद है, उधर से मेंटेनेंस से। मेंटेनेंस मंदिर मज़ा आया ना शॉर्ट्स देख के, अपने को बहुत मज़ा आया। अभी फिलहाल ना मैं मंदिर से तो निकल रहा हूँ। मंदिर से निकलते निकलते एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भले गोवा में है लेकिन मंदिर में अगर आएंगे अपन तो अपन शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के नहीं आ सकते भाई। वो लोग का अच्छा एक रूल है कि वो लोग आपको ना वो लुंगी टाइप कुछ देते, वो आपको रैप ऑन करना है एंड उसके बाद ही अपना मंदिर आप एंटर कर सकते हो। हाँ दैट्स अ नाइस कल्चर दैट इज़ बीन फॉलोड एवरीवेयर, बट मंदिर ऑसम था। शॉर्ट्स कैसे थे कमेंट करना प्लीज़। अब फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आगे का आइटर मुझे भी नहीं पता क्योंकि बस किया ना मैंने तो मुझे पता नहीं एक्चुअली कहाँ जाना। तो फिलहाल तो मैं ऐसी शॉर्ट्स लेते लेते ये मार्केट लगा शायद, तो देखो ये प्रसाद प्रसाद पेड़ा प्रसाद कंदी पेड़ा। यही देखते देखते मैंने बोला था मंदिर से बाहर आऊँगा तो जूस पीऊँगा। तो फिलहाल मैं जाऊँगा एक नींबू पानी या कुछ। पाइनएप्पल खाने बहुत मजा आता है लेकिन ना पाइनएप्पल के चार्जेस ना मतलब 30 रुपीज़ 40 रुपीज़, एक जगह तो मेरे को बोलता 100 रुपीज़। मैं बोला अबे पाइनएप्पल बेच रहा है क्या बेच रहा सोना? तो मैं फिलहाल बोला कि 30 40 50 इट्स ओके। अपन जाने का पाइनएप्पल खाने, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहने का, पानी वानी पी के, वरना ना इतनी गर्मी ना गोवा में, भले नवंबर का महीना गर्मी इतनी है कि पैंट बच जाएगी। शाम का मौसम
ओके ओके, यहाँ पे ना एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं बोल सकते, लेकिन है ह्यूमिड वाला गर्मी है, मतलब चुपता है यार गर्म। अभी फिलहाल अपन जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। ये बिग डैडी हो ना, राइट नाउ आई एम इन पणजी यार। पणजी में मतलब बोट क्रूज किया, टाइम पास किया, नाचे वाचे, हाँ बहुत मजा किया। देख रहा है, वीडियो नहीं देखा, देखो। टाइम पास हो गया, टाइम पास होने के बाद में अपन बिग डैडी जाने का प्लान थोड़ा डाइसी है, क्योंकि कल सुबह मेरे को निकलने का है, गाड़ी भी बराबर नहीं है। अपने गाड़ी मैकेनिक डालना था लेकिन वो भी नहीं डाले, लेकिन ऑल टुगेदर नाइस। व्हाट इज बिग डैडी? हाँ, बिग डैडी इज कैसीनो बॉय। अच्छा, कैसीनो मतलब यहाँ पे पणजी में आओगे ना, बहुत सारे कैसीनोज हैं, मतलब बिग डैडी इज वन ऑफ देम। ओके, मतलब दे चार्ज 2500, जिसमें 1000 कॉइन्स आपको दिया जाता है खेलने के लिए, जो अपना कभी नहीं होता, या फिर अपना लक इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद में खाना पीना फ्री होता है, दारू फ्री होता है, तो आने का टाइम पास करने का, ठीक है। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा रहेगा, लगा रहेगा, थक गया यार। अगेन, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा रहेगा, लगा रहेगा। ये लाइट नहीं है, लाइट चाहिए अपने को। या अच्छा, अगेन आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और एक अपडेट, अपन ने डमरोले राइडर का नाम चेंज कर दिया है। यू कैन फाइंड मी शाइनर व्लॉग्स करके आपको डालना पड़ेगा गूगल में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।